तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो में, हम लोग बनाते हैं कि अपने गेम का जीयूआई, देखते हैं कि कैसे हमें जीयूआई बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे नेटबेस ओपन है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे फाइल पे, न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जावा विद आंट, और यहाँ पे हम जावा एप्लीकेशन चूज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक नाम दे देंगे। तो हम नाम दे देते हैं टिक टैक टो ट्रेनिंग, और हम क्या करेंगे फिनिश कर देंगे। तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा यहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट के अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक सोर्स पैकेजेस और एक लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज में हम अगर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो इंक्लूड करेंगे, और सोर्स पैकेजेस में हम लोग को अपनी क्लासेस बनानी है। तो कोई भी क्लास बनाने से हम लोग पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक पैकेज बना लेते हैं, कॉम डॉट गेम या माई गेम, और हम लोग एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पैकेज बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक जावा की क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहली जो क्लास मैं बनाऊंगा वो हमारी मेन क्लास होगी, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और उस क्लास का मैं नाम भी क्या दूंगा, मेन। तो यहाँ पे देखिए क्लास बन गई। अब लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इस क्लास से हम इसके अंदर बनाएंगे मेन मेथड। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज देके चेक कर लेंगे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं लिखता हूँ प्रोग्राम स्टार्टेड। तो अगर आपको आउटपुट मिल गया प्रोग्राम स्टार्टेड, इसका मतलब प्रोग्राम चल रहा होगा। राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट आ गया प्रोग्राम स्टार्टेड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे। तो हम अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जावा की क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम देंगे माय गेम, और हम फिनिश कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी मेन गेम वाली क्लास होगी, जिसके अंदर हम सारा जीयूआई बनाएंगे। और हम लोग इस गेम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे माय गेम, गेम इज इक्वल टू न्यू माय गेम, दैट्स इट फ्रेंड। ये होता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे चलेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे माय गेम, और हमारा कंस्ट्रक्टर भी रेडी है। और हम यहाँ पे मैसेज देते हैं एक क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ गेम, और देखते हैं कि हमारा क्या ये कंस्ट्रक्टर चलता है ऑब्जेक्ट बनाने पे। अगर ऑब्जेक्ट बनाने पे चलता है, इसका मतलब सारी कोडिंग अभी तक हम लोग ने सही किया है। आउटपुट देख सकते हैं, प्रोग्राम स्टार्टेड क्रिएटिंग इंस्टेंस। तो सबसे पहले हम विंडो बना लेते हैं, और विंडो के बाद हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे हमें जीयूआई क्रिएट करना है। तो कोई भी काम करने से पहले हमारे पास कुछ फोटोज़ हैं, इमेजेस जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इमेजेस को कॉपी करके अपने इस नेटबीन्स वाले फोल्डर में लाते हैं यहाँ पे। तो हम इमेजेस को यहाँ पे, मेरे पास रखी हैं इमेजेस, यहाँ पे। तो इन तीनों इमेजेस को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और नेटबीन्स में यहाँ पे एक और मैं फोल्डर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर, और उसका नाम दूंगा IMG। और हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस इन इमेजेस को यूज़ करने वाले हम लोग, एक ये जो इमेज है वो जीरो के लिए यूज़ करेंगे, ये वन के लिए यूज़ करेंगे, और ये आइकन के लिए हम लोग टाइटल के लिए यूज़ करेंगे। तो टाइटल में सेट करेंगे। अब चलिए हम लोग सबसे पहले विंडो बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें समझेंगे कैसे हमें जीयूआई क्रिएट करना है। रहेगा यहाँ पे क्लास के पास, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स जे फ्रेम, क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप। इससे होगा क्या, इस फ्रेम क्लास की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम टाइटल सेट कर देंगे, सेट टाइटल, और टाइटल में दे देंगे माय टिक टैक टो गेम। तो टाइटल सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइज सेट कर देते हैं। तो साइज मैं इसकी रखूंगा, इसकी विड्थ रखूंगा 850, और इसकी हाइट भी 850 रखूंगा। तो साइज सेट करने के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे सेट साइज, और यहाँ पे हम 850, 850 दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकेशन भी सेट कर सकते हैं सेट लोकेशन से, लेकिन हमें क्या सेट करना है, आइकन सेट करना है, उसको टाइटल वाला आइकन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे सेट आइकन इमेज, सेट आइकन इमेज, और इस आइकन इमेज को चाहिए एक ऑब्जेक्ट इमेज का। तो हम इमेज का ऑब्जेक्ट निकालने से पहले यहाँ पे बनाएंगे हम इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट, इमेज आइकन, आइकन इज इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, इमेज आइकन, और इसको हम दे देंगे अपनी फाइल की लोकेशन। तो हम लिखेंगे SRC के अंदर एक फोल्डर बनाया था इमेजेस, और फाइल का क्या नाम था, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, icon.png। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा icon.png।
और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस आइकन से हम लोग गेट करेंगे इमेज। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे आइकन डॉट गेट इमेज, दैट्स इट फ्रेंड। उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन और कॉल करेंगे, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और यहाँ पे पास कर देंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। इससे होगा क्या, जब भी आप फ्रेम को एग्जिट करोगे आपका प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। तो ये बहुत यूजफुल मेथड है अगर आपका प्रोग्राम बंद करना है जे फ्रेम के एग्जिट पे। उसके बाद हम लोग अपने फ्रेम को क्या करते हैं, सेट विजिबल कर देते हैं और देखते हैं क्या टाइटल और आइकन सेट हुआ है। हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड पर राइट क्लिक करेंगे और रन करेंगे, देखते हैं क्या हमारा। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ विंडो है और इस विंडो पे टाइटल भी सेट है और आइकन भी सेट है यहाँ पे, और यहाँ भी देख पाएंगे हम लोग का आइकन सेट है यहाँ, और हमें यहाँ पे विंडो मिल गई है। इसकी विड्थ भी 850 और हाइट भी 850 है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा लॉजिक समझते हैं एक्चुअली हम लोग को करना कैसे। तो जो हमारा ये फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस कीवर्ड से, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं अभी इस क्लास में, अपने कौन सी क्लास में एक बार मैं दिखा देता हूँ, माई गेम। तो माई गेम में जब भी आपको फ्रेम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आप, जब भी, तब आप कौन से वेरिएबल से करेंगे, दिस वेरिएबल से करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग इस फ्रेम का लेआउट सेट कर देंगे, बॉर्डर लेआउट सेट कर देंगे। जैसे बॉर्डर लेआउट सेट करोगे हमें ये क्या होगा कि इस फ्रेम के 5 हिस्से हो जाएंगे। इस हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ और इस हिस्से को बोलते हैं साउथ, नॉर्थ साउथ, और इस हिस्से को बोलते हैं ईस्ट इस वाले, और इस हिस्से को बोलते हैं वेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा लॉजिक ये है कि मैं इसके नॉर्थ सेक्शन में यहाँ पे टाइटल सेट कर दूंगा, नॉर्थ सेक्शन में टाइटल सेट कर दूंगा, और साउथ सेक्शन में मैं क्लॉक सेट कर दूंगा, और जो ईस्ट और वेस्ट वाला सेक्शन है उसको मैं ऐसे ही लीव कर दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये विजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक जे पैनल, और जे पैनल में जे पैनल का जो सबसे पहले लेआउट होगा वो ग्रिड लेआउट होगा, और ग्रिड लेआउट 3x3 का होगा। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जे पैनल कंटेनिंग 9 buttons, जे पैनल कंटेनिंग 9 buttons। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लगाने से पहले हम इधर जे पैनल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जे पैनल का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे जे पैनल या पैनल, और हम लोग इस पैनल का लेआउट सेट कर देंगे ग्रिड लेआउट सेट कर देंगे। और ग्रिड लेआउट में हमें देना होता है रो एंड कॉलम, तो हम 3x3, दैट मीन्स हमें 9 grids चाहिए, तो हमारा 3x3 का सेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, और हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बटन्स को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, और फिर इसको उठा के हम अपने सेंटर पे कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, टाइटल, सारी बटन्स और क्लॉक भी हो जाएंगे। क्लॉक को हम एग्जीक्यूट करा देंगे, क्लॉक को हम रन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ एक थ्रेड। तो फ्रेंड हम लोग ये काम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, कोड में चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है सारा काम, कैसे हम लोग पैनल बनाते हैं और कैसे फ्रेम वगैरह बनाते हैं, कैसे लेआउट सेट करते हैं। चलिए हम लोग कोड में चलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फ्रेम तो रेडी है, फ्रेम पे हमें सेट करना है बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट सेट कहाँ करेंगे, सबसे दिक्कत वाली बात यही है। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा नया, इसका नाम दूंगा पब्लिक या प्राइवेट देते हैं, क्योंकि हमें इसको कॉल करना है इसी क्लास में, और ये रिटर्न वॉइड करेगा। इसका नाम होगा क्रिएट GUI, और ये फंक्शन मैं कॉल कर लूँगा सेट विजिबल ट्रू से पहले, क्रिएट GUI। तो स्पेलिंग एक बार मैं इसके सही कर देता हूँ, क्रिएट GUI, यहाँ पे भी कॉल कर लेता हूँ क्रिएट GUI। तो ये अपने आप फंक्शन कॉल हो जाएगा और मैं सारा GUI में यही बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं लेआउट सेट कर दूँगा अपने फ्रेम का। तो मैं लिखूँगा दिस डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट, और लेआउट में मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे दूंगा, इसका बॉर्डर लेआउट था तो मैं लूँ बॉर्डर लेआउट, दैट्स इट फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉर्थ सेक्शन में हमें सेट करना था हेडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले हेडिंग के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक लूँगा जे लेबल फॉर हेडिंग, और मैं एक फॉन्ट भी डिक्लेयर कर दूंगा, फॉन्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट,
और यहाँ पे तीन चीज़ें देनी, फॉन्ट की नेम देनी है, फैमिली देनी है और हमें, सॉरी, तीन चीज़ें देनी है, फैमिली, स्टाइल और साइज़। तो हम फैमिली तो नल छोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग इसका स्टाइल दे देंगे फॉन्ट डॉट प्लेन, प्लेन को आप एक्सेस कर पाओगे फॉन्ट डॉट प्लेन। और फिर इसकी जो साइज़ होगी वो हम रख देंगे अप्रॉक्स 40। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट हेडिंग इज इक्वल टू न्यू जे लेवल, जे लेवल, और हम लोग को जो लेवल पे लिखना है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लेवल पे लिखेंगे टिक टैक टो स्ट्रिंग के फॉर्म में, और यहाँ लगा देंगे सेमी कोलन। उसके बाद हम हेडिंग का फॉन्ट सेट कर देंगे, सेट फॉन्ट फॉन्ट। उसके बाद हम हेडिंग हेडिंग को अब ऐड करने जा रहे हैं नॉर्थ सेक्शन में। तो हम दिस मतलब हमारा फ्रेम डॉट ऐड हेडिंग, कहाँ ऐड करना है, नॉर्थ में। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, दैट्स इट फ्रेंड। अब हम लगा देंगे सेमी कोलन और एक बार प्रोग्राम को चला के दिखाएंगे कि हमारा क्या नॉर्थ सेक्शन में आया है, हमारी हेडिंग की नहीं आई है। तो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ सेक्शन में यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइटल आ चुका है। अब हम लोग क्या 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 करेंगे, इसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड करेंगे जिससे बोल्ड दिखे, और इसको लाएंगे सेंटर पे। तो हम फॉन्ट बोल्ड करने के लिए जहाँ पे आपने प्लेन लिया था, जहाँ पे आपने प्लेन लिया था, तो प्लेन मैंने माई गेम में लिया था। यहाँ पे देखिए प्लेन, इसको मैं क्या कर दूंगा बोल्ड, और उसको सेंटर पे करने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज़ करूँगा हेडिंग डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और यहाँ पास करूँगा स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट सेंटर। और मैं अपना प्रोग्राम रन करके देखूँगा एक बार, राइट क्लिक करूँगा, रन करूँगा, और रन करने पे हमें देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो बोल्ड हो जाएगा और सेंटर पे हो जाएगा। तो ये हमारा टाइटल का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अपने इस क्लॉक पे काम करते हैं। तो क्लॉक में बेसिकली सिंपल मैं ऐसे ही लेवल बनाऊंगा, उसको साउथ में ऐड करूंगा। तो जस्ट रिपीट करने जा रहा हूँ स्टेप, अभी तक जिसको भी नहीं समझ में आया वो समझेगा फिर से कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लॉक के लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और लेवल ही होगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम लगा कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा क्लॉक लेवल, और फिर नीचे चलूंगा और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं लिख दूंगा क्रिएटिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लेवल जे लेवल, जे लेवल फॉर क्लॉक, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किया था क्लॉक लेवल इज इक्वल टू न्यू जे लेवल, और इसमें हम बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट दे देंगे। तो टेक्स्ट दे देते हैं बाय डिफॉल्ट, इस टेक्स्ट दे देते हैं कुछ ऐसा ही क्लॉक, बाद में तो वैसे भी चेंज करना है। और हम क्या करते हैं, इसका भी फॉन्ट सेट कर देते हैं, सेट फॉन्ट, और हम वही फॉन्ट सेट कर देंगे तो ये भी बोल्ड दिखेगा। और हम सेट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कॉल कर लेंगे जिससे कि सेंटर में आ जाए, स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट सेंटर, सेंटर पे आ जाएगा टेक्स्ट। अब हम ऐड करते हैं इसको साउथ सेक्शन में। तो हम लिखेंगे दिस डॉट ऐड, किसको ऐड करना है भाई, क्लॉक लेवल को, कहाँ ऐड करना है, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ सेक्शन डॉट साउथ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हम प्रोग्राम चलाते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट सही आ रहा है, नीचे क्लॉक आया है। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमारा टिक टैक टो है, नीचे क्लॉक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड की हेल्प से इस क्लॉक को हम रन करेंगे, हर एक सेकंड बाद इस क्लॉक की वैल्यू डायनेमिक निकालेंगे, फेच करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने प्रोग्राम में और यहाँ पे एक थ्रेड बनाएंगे, या हम लोग टाइमर की हेल्प से भी काम कर सकते हैं, टाइमर क्लास है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक सेकंड बाद टाइमर को शेड्यूल करके काम करा सकते हैं। बट मैं थ्रेड यूज़ करूँगा, मैं बनाऊँगा थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट न्यू थ्रेड, और क्योंकि थ्रेड का मेथड ओवरराइड करना है तो मैं यहाँ एनोनिमस क्लास यूज़ करूँगा, लिखूँगा पब्लिक वॉइड रन, और रन की बॉडी में मैं यहाँ पे थ्रेड का काम लिखूँगा। और मैं मुझे हर एक सेकेंड बाद कुछ काम करना है तो मैं लगाऊँगा लूप और लगाऊँगा ट्रू, और यहाँ पे मैं काम कर लूँगा क्या काम करना है, और जैसे काम होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी थ्रेड चल रहा होगा उसको मैं कर दूँगा स्लीप फॉर 1 सेकेंड। और बेसिकली हमें देना मिली सेकेंड है, तो 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। और इस वाइल को मैं रख देता हूँ ट्राई के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर मारता हूँ ट्राई और मारता हूँ कैच। तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ट्राई कैच आएगी इंटरप्टेड एक्सेप्शन, बट मैं यहाँ पे एक्सेप्शन कैच कर ले रहा हूँ।
प्रिंट स्टैक ट्रेस, और आके अपना जो कोड मैंने कट किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट प्रिंट। अब आते हैं यहाँ काम क्या करना है, हमें काम एक्चुअली करना है, मुझे करंट टाइम निकालना है, तो मैं करंट डेट टाइम दोनों निकाल रहा हूँ। डेट टाइम निकालेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेट क्लास का, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लास, और इसको कन्वर्ट कर दिए टू लोकल स्ट्रिंग, तो हमारा कुछ फॉर्मेट जाना पहचाना मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने क्लॉक लेवल पे इसको सेट कर दूंगा डेट टाइम को। अब फ्रेंड देखिए होगा क्या, अगर हम इस थ्रेड को अपने थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्योंकि लूप तो इन्फाइनाइट चल रहा है, कहीं भी इसमें बेस टर्मिनेशन वाली कंडीशन है ही नहीं, तो लूप इन्फाइनाइट चलेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये टाइम निकालेगा, करंट टाइम उसको सेट कर देगा, एक सेकंड स्लीप करेगा, फिर एक सेकंड बाद जाए नया टाइम निकालेगा, सेट कर देगा, स्लीप करेगा, नया टाइम निकालेगा, सेट करेगा, इसी तरह करता जाएगा फॉर एवर, और हमारी क्लॉक चलती जाएगी, हर एक सेकंड बाद अपडेट होती जाएगी। चलिए अब हम लोग एक बार रन करके प्रोग्राम देख लेते हैं, क्या ये प्रोग्राम सही चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये देखिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है ढंग से। अब यहाँ पे दो थ्रेड चल रहे हैं, एक तो हमारा जीवाई थ्रेड है जो हमारे इस जीवाई को मैनेज कर रहा है, एक थ्रेड है हमारा जो क्लॉक को मैनेज कर रहा है। ये थ्रेड हम लोगों ने खुद से बनाया था, तो परफेक्ट है, अभी तक का हमारा सारा काम परफेक्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बनाते हैं पैनल, और इस पैनल के अंदर 9 बटन्स बनाते हैं और उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। चलिए हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो पैनल बनाने के लिए एग्जैक्टली हम लोग आएंगे अपनी मेन क्लास में, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जे पैनल, और लिखेंगे मेन पैनल, पैनल बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 9 बटन्स को स्टोर करने के लिए एक एरे बना लेते हैं, बटन्स को स्टोर करने के लिए, क्या पता बाद में ज़रूरत पड़ जाए। तो 9 बटन है तो मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा, btns buttons is equal to new j buttons, ये बेसिकली 9 बटन स्टोर करेगी, और इसकी साइज़ होगी 9, 0 से लेके 8 तक का, या 9 बटन स्टोर करेगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग पैनल वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पैनल सेक्शन। तो सबसे पहले मैं मेन पैनल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, इक्वल टू न्यू जे पैनल। उसके बाद पैनल का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस पैनल का, जे पैनल का मैं लेआउट सेट करूँगा, ग्रिड लेआउट। तो ध्यान से देखिए, मेन पैनल का सेट करना है तो इस पर कॉल करिए सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट। अब इस ग्रिड लेआउट में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देनी होंगी। देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रिड लेआउट में आपको रोज एंड कॉलम देने हैं, तो मैं 3x3 दे दूंगा, तो 3 रो 3 कॉलम की ग्रिड बन जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 9 i++। और मैं क्या करूँगा, हर बार ये लूप चलेगा 1 से लेकर 9 तक, और मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा, जो बटन बनाऊँगा j बटन btn इक्वल टू न्यू j बटन। तो यहाँ 9 बार नई बटन बनेगी, और उस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, लेट अस सपोज हम यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं आई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे अपेंड कर दिए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, इस बटन का फॉन्ट सेट करते हैं, बटन डॉट सेट फॉन्ट, और मैं यहाँ फॉन्ट पास कर देता हूँ, और इस बटन को पैनल पे ऐड कर देते हैं, तो मेन पैनल डॉट ऐड btn। तो फ्रेंड यहाँ हो क्या रहा है, ये लूप चलेगा 9 बार, और हर बार एक बटन बनेगी, उसका फॉन्ट सेट होगा, और वो इस मेन पैनल पे ऐड हो जाएगी। तो 9 बटन इस मेन पैनल पे ऐड हो जाएंगी, और जैसे बटन ऐड हो जाएंगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस मतलब हमारा फ्रेम डॉट ऐड, अपने फ्रेम पे मेन पैनल को ऐड कर दूंगा। कहाँ ऐड करूँगा, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर पे, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर पे ऐड कर दूंगा। और अगर मैं रन करता हूँ तो आप सब लोग देख लीजिए, मैंने एक लूप चलाया, 9 बटन्स बन के रेडी हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने जो लूप चलाया था वो बेसिकली यही लूप चलाया था, एक बटन बनाई थी, उसका फॉन्ट सेट किया था आई मतलब 1 था, फिर ऐड कर दिया था दूसरी बटन, तीसरी बटन, चौथी बटन, पांचवी बटन, छठी बटन, सातवीं बटन, आठवीं बटन, ऐसा काम करके हमने सारा काम किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन बटन्स पे उस इमेजेस को भी सेट कर सकते हैं, एक बार सेट करके देखते हैं। तो जहाँ पे हम टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, इस टेक्स्ट को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, टेक्स्ट को मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, और टेक्स्ट या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ मत लिखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा btn.set icon,
और यहाँ पे न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे मैं बटन ओ पाथ दे सकता हूँ अपने इमेज का। तो पाथ बेसिकली कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे src के अंदर इमेज फोल्डर था और उसके अंदर 0.png। तो अब होगा क्या, सारे बटन पे 0 आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, सारी बटन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो परफेक्ट, ये सारा काम हमारा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग अभी तो फिलहाल, क्योंकि ये सब स्टैटिक है, ये हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमें बटन्स को ब्लैंक छोड़ना होगा और बटन के क्लिक करने पे कुछ काम करना होगा, ठीक है। तो वो बटन अपने आप आएगा जब हम लोग काम करेंगे डायनेमिक, तब हमें पता चलेगा। क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे आपको दिखानी ही होगी, ये हम इस बटन को ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करने पर काम करेंगे। तो हमारा बेसिक लेआउट सेट है, रेडी है, हम इस पर काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत आगे। अब इसमें थोड़ा बहुत कलराइजेशन वगैरह लाना है, तो चलिए कलराइजेशन भी कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड, अपने इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं अपने फ्रेम का। तो फ्रेम का बैकग्राउंड सेट करने के लिए सबसे ऊपर ही चलिए, जहां आपका क्रिएट जीवाई वाला फंक्शन था, ये रहा, यहाँ पर कॉल करिए दिस डॉट गेट कॉन्टेंट पेन, गेट कॉन्टेंट पेन, गेट कॉन्टेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे लिखे कलर डॉट डी कोड। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक हेक्सा कलर है, और इस हेक्सा कलर को हम लोग कलर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फंक्शन डी कोड इस कोड को, हेक्सा कलर कोड को कन्वर्ट कर देगा कलर के ऑब्जेक्ट में। तो हमारा उसका बैकग्राउंड ऐसा ही हो जाएगा कुछ, एक बार रन करके ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं, इसका भी कलर वाइट कर देते हैं, चलिए वाइट कर देते हैं। तो आएंगे जहाँ पे हमने बनाया था हेडिंग, तो हेडिंग डॉट सेट, हेडिंग डॉट सेट, हेडिंग डॉट सेट। तो हेडिंग का बैकग्राउंड सेट कलर नहीं सेट करना है, सेट फॉरग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर डॉट वाइट, और यही मैं कॉपी कर दूंगा अपने क्लॉक पे भी, और जहां हेडिंग है वहां लिख दूंगा क्लॉक लेफ्ट। तो हमारा देख पाएंगे हम लोग का जो कलर है वो भी, देखिए यहाँ पे वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया। अब हमें बटन्स पे थोड़ा बहुत काम करना है, तो बटन्स पे चलिए काम कर लेते हैं, कुछ चीजें बच भी गई थी यहाँ पे। देखिए बटन्स, बटन को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने बटन्स वाले उसमें भी ऐड कर देते हैं इसको, बटन वाले एरे में i-1 इज इक्वल टू btn को रख देते हैं, जैसे कि एरे में अगर स्टोर हो जाएंगे बटन्स तो होगा क्या कि हम लोग बाद में भी यूज़ कर पाएंगे इन बटन्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इन बटन पे एक फंक्शन कॉल करते हैं btns.setopac, या हम लोग बटन्स पे कुछ फंक्शन कॉल करते हैं। बटन पे हमें सबसे पहला एक, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं बटन का, btn.setBackground color.ydecode, और यहाँ पे लाते हैं अपना कलर, पेस्ट करते हैं, और फिर अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बैकग्राउंड क्या ब्लू हो गया, हाँ परफेक्ट हमारा काम हो गया। देखिए बैकग्राउंड ब्लू हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं और भी, तो अब परफेक्ट है। तो बेसिकली हमारा जीवाई रेडी है। अब हमें क्या करना है, बैकएंड का लॉजिक लिखना है। बाय डिफॉल्ट मैं सारी बटन्स को हटा दूंगा, नल कर दूंगा, यहाँ पे बटन्स पे टेक्स्ट आपको नहीं दिखेंगे। जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं बटन्स को यहाँ पे डायनेमिक लेके आऊँ। एक चीज़ और करते हैं इसमें एक्स्ट्रा, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आइकन ऐड करते हैं, ये वाला आइकन यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर, चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ हेडिंग बनाई थी, यहाँ पे हेडिंग बनाई थी, ये रही हेडिंग, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डॉट सेट आइकन भी करने की कोशिश करते हैं, न्यू इमेज आइकन, और हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपना आइकन। तो मैं लिखूँगा src/img/ और आइकन डॉट png,
जरा एक बार रन करते हैं, देखते हैं किस तरह का आइकन हमें देखने को मिल रहा है। तो आइकन कुछ खतरनाक देखने को मिल रहा है। इसको हम ऊपर करते हैं शिफ्ट किसी तरह, और इसको हम लोग नीचे लाते हैं। तो कुछ कोड लिखते हैं, हम लोग टाइप करते हैं कोड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डॉट सेट हॉरिजेंटल टेक्स्ट पोजीशन स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट सेंटर। देखते हैं ज़रा, हॉरिजेंटली हमने टेक्स्ट को सेंटर पे कर दिया। तो हाँ, तो क्या हुआ कि टेक्स्ट सेंटर आ गया, तो इमेज के भी बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को नीचे सेट करेंगे। दैट मीन्स हम कॉल करेंगे हेडिंग डॉट सेट वर्टिकल टेक्स्ट पोजिशन स्विंग कॉन्स्टेंट डॉट बॉटम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे जस्ट इसके नीचे कॉल करते हैं हेडिंग डॉट सेट हॉरिजेंटल टेक्स्ट, वो सॉरी वर्टिकल टेक्स्ट पोजिशन, और यहाँ कॉल करेंगे स्विंग कॉन्स्टेंट्स डॉट बॉटम, और देखते हैं क्या हमारा काम हो गया। रन करते हैं, अगर रन करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे हमारी इमेज दिख रही है, और यहाँ पे हमारा हेडिंग दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा ये सारा काम हो रहा है। तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल ये इमेज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप कोई और इमेज ला के यहाँ पे लगा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक इमेज है, ये यहाँ पे तो बढ़िया लग रही थी बट यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी। तो हम कोई और इमेज ला के यहाँ पे लगा देंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, आप इसको यूज़ करिए। अदरवाइज अभी तक, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, तो माई गेम में आऊँगा और इस लाइन को कमेंट कर दूंगा, और फिर रन करके देखूंगा, और हमारा परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे जीवाए बनाएंगे जावा की हेल्प से। और हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, सारी कोडिंग अपने हाथ से की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका लॉजिक हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कोड में अपने लॉजिक को बिल्ड कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय।